हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए मिक्स फ्रूट केक बनाने वाले हैं, वो भी कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप क्रिसमस केक बनाएं, बिना रम के केक बनाएं या फ्रूट केक बनाएं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज हम बनाने वाले हैं मिक्स फ्रूट केक। एगलेस है और बहुत ही आसानी से बनाएं। तो चलिए फटाफट बनाना से शुरू करते हैं। मिक्स फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले आज हम यूज़ करने वाले हैं मिक्स फ्रूट जूस, जो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं और इससे केक बहुत ही यमी बनने वाला है। तो यहाँ मैंने आधा कप जूस लिया है। अब इसमें हम डेट यानी खजूर डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने चार खजूर को रफली चॉप करके डाला है। इसी के साथ इसमें दो बड़े चम्मच किशमिश डालेंगे। तो यहाँ मैंने येलो किशमिश ली है और साथ में ब्लैक किशमिश ली है, ये 1/4 कप है। जो भी किशमिश आपको ज़्यादा पसंद है उसे आप ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में 1/4 कप इसमें कलरफुल टूटी फूटी डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसे हमें 1 से 2 घंटा ढक कर रखना है। आप चाहें तो इसे एक दिन पूरा रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। ज़्यादातर हम लोग ये काम रम के साथ करते हैं, यानी फ्रूट को हम रम में भिगो कर रखते हैं जब क्रिसमस केक बनाते हैं। पर आज हम लोग मिक्स फ्रूट केक बना रहे हैं तो इसमें हमने जूस का यूज़ किया है। तो इसे हम ढक देते हैं लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। अब मैंने एक केक टिन ले लिया है। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप भगोने का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऑयल और बटर पेपर को अच्छे से सेट कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। तो ये 6 इंच का केक टिन है। अब हमें कढ़ाई को गर्म करना है क्योंकि आज हम कढ़ाई में केक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने स्टैंड रखा है, इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट गर्म कर लेते हैं। आप इसके जगह कुकर या भगोने का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ओवन में भी केक बेक कर सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ जो फ्रूट हैं यानी किशमिश है और जो टूटी फ्रूटी है वो अच्छे से फूल गए हैं और जूस भी जो है वो हल्का सा कम हो गया है और कलर चेंज हो गया है इसका। तो अब इसमें हम बटर डाल रहे हैं 1/4 कप। बटर को मैंने मेल्ट करके डाला है और आप बटर की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप यानी 1/2 कप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिलाएंगे। ये केक बहुत ही यमी बनता है। जो लोग क्रिसमस पर रम यूज़ नहीं करना चाहते हैं वो फ्रूट जूस यूज़ करके इस तरह का केक बना सकते हैं और यकीन मानिए इस केक को सभी लोग बहुत ही पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 1 कप यानी 120 ग्राम मैदा डाल रहे हैं। साथ में मिल्क पाउडर डालेंगे 1/4 कप, बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच यानी 1 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है और इसी के साथ हमें इसमें एक मसाला डालना है। तो सबसे पहले एक बार इसे हम हल्का सा मिला लेंगे और इसके बाद इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं। यानी एक मसाला होता है जो केक में डाला जाता है, क्रिसमस केक में डाला जाता है, कुकीज़ में डाला जाता है, तो वही मसाला इसमें डालेंगे। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं यूज़ करिएगा। तो हमें चाहिए दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, जायफल का थोड़ा सा टुकड़ा हम लेंगे और साथ में हमें जिंजर पाउडर चाहिए। इन सभी चीज़ों को ऐड करके हमें इसे पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। और ये जो मसाला है इसे आप केक में यूज़ कर सकते हैं और कुकीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मसाले को मैंने साथ में पीस लिया है और इसे आप अगर मसाला केक में पसंद करते हैं तो ज़्यादा बनाकर रख लें और केक में डालकर इसे ज़रूर यूज़ करें। तो इसे हम डालने वाले हैं लगभग 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, या जितना भी आपको इसका फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो इसे थोड़ा ज़्यादा डालें। अब इसमें हम लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच दूध डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बैटर हमें गाढ़ा चाहिए, अच्छा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, यानी जो फ्रूट ऐड किए हैं अगर आप ज़्यादा इसे पतला कर देंगे तो जो फ्रूट है वो केक के नीचे बैठ जाएंगे यानी टिन में हो जाएंगे और जो केक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ जो बैटर है ये बिल्कुल गाढ़ा बैटर है, तो दूध का कम यूज़ करिएगा और कुछ इस तरह का बैटर तैयार करिएगा। तो अब इसमें हम थोड़े से काजू और बादाम डाल देते हैं और साथ में थोड़े से अखरोट भी डालेंगे। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और अखरोट का यूज़ किया है। जो भी आपको नट वाले ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैंने मिला लिया है इसे। तो यहाँ जो बैटर है ये बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे हम केक टिन में डालेंगे।
इस केक का टेस्ट नॉर्मल केक से बहुत ही अलग होता है क्योंकि इसमें जूस है, साथ में कुछ मसाले हैं, जिससे ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो क्रिसमस आ रहा है तो इस क्रिसमस पे आप इसे बना सकते हैं, वैसे आप इसे कभी बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ केक को अच्छे से सेट कर दिया है, टैप कर दिया है और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। यहाँ मैंने अखरोट, काजू और बादाम का यूज़ किया है, वैसे आप कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। अब हमें इसे बेक करना है तो आप इसे अवन में बेक कर सकते हैं, नहीं तो कढ़ाई में इसे बेक करें, या तो आप कुकर या भगोने का भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंड के ऊपर मैंने टिन को रख दिया है, ढक कर इसे हम बेक कर रहे हैं। इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक किया है और लगभग मैंने इसे 50 से 55 मिनट बेक किया है, क्योंकि इसे मैंने थोड़ा सा क्रिसमस केक लुक दिया है और टेस्ट भी वही है, तो इसे हमें थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर बेक करना होता है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 160 डिग्री पर इसे बेक करिएगा और उसमें भी टाइम लगभग 50 मिनट लग जाता है। तो यहाँ जो केक है इसे मैंने हल्का सा ठंडा करके निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है, कलर कितना बढ़िया आया है। तो फटाफट बटर पेपर को निकाल देते हैं और इसे आप ठंडा करके सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे लगभग आप 15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं, 15 से 20 दिन ये केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है कि आप इस क्रिसमस में इस केक को ज़रूर बनाने वाले हैं, वैसे आप इसे कभी बनाकर खा सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और भी ऐसी केक कुकीज़ रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर और हाँ, मैरी क्रिसमस। इसी के साथ आज हम आपको मीशो ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, जो लोग घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं वो लोग इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पर आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, ऑर्डर को प्लेस कर देना है मीशो पर, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सब काम मीशो करेगा, ऑर्डर को डिलीवर करेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं और पेमेंट के लिए आप कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।